हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड 8th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसका टेक्स्ट बुक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, हनी ड्यू की बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, जिसमें आपका था द राइटर ब्रॉट अ रॉल टॉप इवन थ्रू इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बिकॉज इट वॉज बींग सोल्ड फॉर वेरी लिटल मनी। ऑप्शन सी आएगा। To whom was the letter written that the narrator found in the box? तो कॉनी मैकपर्सन, ठीक है, कॉनी मैकपर्सन के लिए ये लेटर था। टॉमी इज द नेम ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर का नाम टॉमी था और जर्मन सोल्जर का नाम फ्रिच था, मत भूलना। देखो आपको क्वेश्चन आया है नीचे, डैश इज कॉल्ड फ्रिच, अ जर्मन सोल्जर इज कॉल्ड फ्रिच। ऑप्शन बी। वॉट इज द वाइट फ्लैग अ सिंबल ऑफ? वाइट फ्लैग जो होता है, वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर वो पीस शांति का प्रतीक होता है। सो ऑप्शन सी आएगा आपका, पीस। क्वेश्चन नंबर 6, द टॉमीज एंड द फ्रिच मीट ऑन द डैश ऑन द क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन नो मैंस लैंड, वहाँ पे कोई मतलब किसी की जमीन नहीं थी, ना ही फ्रिच लोगों की थी ना ही टॉमी लोगों की थी। द जर्मन सोल्जर वेर वियरिंग डैश यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने थे जर्मन सोल्जर। वॉट वॉज द हैंस परसूट बिफोर ही ज्वाइंड द आर्मी? ही वॉज अ सैलो प्लेयर, वो एक सैलो प्लेयर थे। नाउ पेज नंबर 6, हैंस वुल्फ हैड लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग इंग्लिश बुक, बाय रीडिंग इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक पढ़ के उन लोग को इंग्लिश बोलना आया। गोल पोस्ट फॉर फुटबॉल वेयर मेड बाय पीलिंग ग्रेट कोट्स। वॉट वॉज द सजेशन ऑफ हैंस वुल्फ फॉर अवॉइडिंग फॉर बाय प्लेइंग फुटबॉल मैच, ठीक है, जिससे वो लोग वॉर नहीं करें, उन लोग को वॉर के बदले एक जैसे हम लोग कोई गेम्स हो जाता है जिससे फुटबॉल मैच खेल के अपना वॉर पता दे, इसलिए ऑप्शन बी बाय प्लेइंग फुटबॉल मैच। इन द गेम ऑफ फुटबॉल फ्रिच वॉन, फ्रिच वॉन, ऑप्शन बी। व्हाई डिड द नरेटर गो टू ब्रिटपोर्ट टू डिलीवर द लेटर टू कॉनी मैकपर्सन? ऑप्शन सी। कॉनी मैकपर्सन हाउस वॉज बर्न्ड बिकॉज द कैंडल्स दैट सी यूज्ड फॉर लाइट इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द नरेटर वेंट टू सी कॉनी मैकपर्सन इन द नर्सिंग होम शी टूक हिम टू बी हर हस्बैंड जिम मैकपर्सन। ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का पैराग्राफ है, रीड द पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अ डोरसेट। यहाँ पे आप लोग को पैराग्राफ दिया है जो मैं आपको समझाऊंगी। अ डोरसेट ही स्टाइल आई नो दिस प्लेस, मतलब ये आपको आधे से दिया गया है जहाँ पे वो लोग मिले थे और वो बोल रहे हैं कि अच्छा डोरसेट, डोरसेट एक स्कूल का नाम है वहाँ पे, ये जगह मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड, उन्होंने अपने एक दूसरे का रम रेस मतलब उनका नाश्ता शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हम लोगों ने एक दूसरे से बात की। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, तो जो जिम मैकपर्सन जो लेटर लिख रहा है कॉनी, उनकी वाइफ से पूछ रहा है कि हम आप बता सकते हैं हम लोग कैसे बात करते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, सामने वाला जो है वो पूरी तरह से इंग्लिश में बात कर रहा था। बट ही टर्न्ड आउट लर्न ऑल द ही वे ऑफ इंग्लैंड और फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से सारी मतलब वो इंग्लैंड का नहीं था फिर भी उसे सब कुछ पता था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन फ्रॉम मैडिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश की बुक मतलब इसने इंग्लिश की बुक पढ़ के उसको सारी इंग्लिश बोलना आ गया था। हीज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके फेमस राइटर थॉमस हार्डी थे और उसकी फेवरेट बुक जो थी वो मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक बाथसेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सैरगेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 मंथ। ये कौन बता रहा है? जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिख रहा है जो बता रहा है कि उनके सामने वाले जो प्लेयर, उनके सामने वाले जो उनके जो एनिमी थे वो दो मतलब मिलके क्रिसमस मना रहे हैं और वो उनके बारे में बता रहा है कि उनके भी एक जिससे बात कर रहा है वो उनको उनसे वो बता रहा है कि उनके भी एक वाइफ एक पत्नी थी और उनके एक बच्चा था जो 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था, मतलब उसका जन्म हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी, जो मेरा तरह है, देर वेर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर जगह खाकी कलर और ग्रे कलर के कोट ही हमको मतलब ग्रे कलर के कोट पहरे हुए हमको बॉयज मतलब सभी लोग दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग वॉकिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग, सभी लोग क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फिर ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे,
ठीक है. हैंस वुल्फ एंड आई स्टेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. उनकी पत्नी कॉनी मैकपर्सन ने उनको एक केक भेजा था, क्रिसमस केक. कॉनी ही थर्ड द मार्जिपन, और उसको मार्जिपन नाम था उस केक का जो उन्होंने शेयर किया था. द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था. इससे मैं एग्री था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. वो भी जो मेरा दुश्मन था वो भी इससे एग्री हुआ कि बहुत अच्छा केक है. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसा कभी क्रिसमस पार्टी नहीं हुआ था. ठीक है, वो अपनी कॉनिक बता रहे हैं. अब इसके क्वेश्चन आएंगे, हाउ डिड दे सेलिब्रेट क्रिसमस, वो लोग क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किए. तो दे सेलिब्रेट क्रिसमस विथ रम रेसन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज. फिर वेयर डिड दे सेलिब्रेट क्रिसमस, दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन नो मैंस लैंड. ठीक है, वो जहाँ पे दोनों जन की ज़मीन नहीं थी बीच में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है. नंबर थ्री, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ टॉक्स बिटवीन जिम एंड हैंस वॉज द कैरेक्टर ऑफ नॉवल फॉर द मैडिंग रॉड बाय थॉमस हार्डी वॉज द टॉपिक ऑफ टॉक्स बिटवीन जिम मैकपर्सन एंड हैंस वुल्फ. व्हाट डिड जिम शेयर विथ हैंस, जिम शेयर द मार्जिपन केक प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ कॉनी विथ हैंस वुल्फ. अब यहाँ पे आपका सेकेंड पैराग्राफ आता है. I fold the letter again and I slipped it carefully back into its envelope. मैंने उसको वापस से फोल्ड किया और वापस से मैंने उसको उसी envelope पे, वो जैसा था वैसे मैंने उसको रख दिया. उसने रीड कर लिया इसका, उसने envelope पे रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जगता रहा. ये किसकी बात हो रही है, ये जो सबसे पहले जिसने रोल टॉप डेस्क खरीदा था, जिसने ये लेटर पढ़ा, उसकी बात हो रही है. ठीक है, लेखक की बात हो रही है. आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. मैंने बनाया है इसका वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो फिर सबसे पहले आप जाके वो देख लीजिए जिससे आपको चैप्टर पता चल जाएगा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. जैसे ही सुबह हो गई मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रो इन टू ब्रीड पोर्ट, मेरे को उस वहाँ पे उसका एड्रेस दिखा था. ब्रीड पोर्ट जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, जो कुछ दूरी पे ही है, वहाँ पे मेरे को जाना है. आई आस्क्ड अ बॉय, वहाँ पे मैं गया और मुझे एक लड़के से मैंने पूछा जिसके जो अपने डॉग को वॉकिंग मतलब बाहर चलाने लेके जा रहा था. वेयर कॉपर बीच वॉज, कॉपर बीच कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग, जो नहीं है क्योंकि वो जल गया था कुछ कारण की वजह से. जो कॉनी मैकपर्सन का जो हाउस था वो जल गया था. द रूफिंग गैपिंग, और वहाँ पे कुछ नहीं था. द विंडो बोर्डेड अप. आई नॉक्ड, मैंने डोर खटखटाया एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर मैकपर्सन. और उन्हें आजू बाजू किसी से पूछा कि आप मिस्टर मैकपर्सन के बारे में जानते हो, तो किसी ने बोला ओह यस हाँ, सेड द लॉर्ड मैनी ओल्ड मैन, एक बुढ़े आदमी ने बोला कि हाँ. इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेयर, वो उसको बहुत अच्छी तरह से जाता है. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बीट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी वॉजेंट शी. वो बता रहा है कि यहाँ पे उसका जो जहाँ पे वो रहती, मतलब यहाँ पे वो रहती थी, उसका घर जल गया. 101 years old, वो 101 साल की थी. शी हैड बीन इन द हाउस वॉज इन कैस्ट फायर, और तभी उसके जो घर था वो जल गया. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई ये अच्छी तरह से नहीं जानता है कि जो आग कैसे लगी थी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो हमेशा कैंडल जला कर रखती थी. शी यूज्ड कैंडल रेदर द इलेक्ट्रिसिटी देन इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइट का यूज़ नहीं करते थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते थे, वो डायरेक्ट सिर्फ कैंडल्स का यूज करते थे. बिकॉज शी ऑलवेज थर्ड, क्योंकि उसका हमेशा मानना था इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गॉट द हर आउट जस्ट इन टाइम, और कुछ समय के बाद फायरमैन आया और उनकी फायरमैन आया आग बुझाने के लिए. शी वॉज इन नर्सिंग होम, अभी वो नर्सिंग होम में है. नाउ ही टोल्ड मी, उसने ऐसा मेरे को बताया. बर्लिंग टाउन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस टाउन के दूसरे तरफ एक बर्लिंग हाउस है, वहाँ बर्लिंग टाउन हाउस है, वहाँ पर वो रहती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ गए. आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, व्हाट हैड टू नरेट टू डू. तो द कैरेक्टर हैड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट ऑफ कॉनी मैकपर्सन एंड डिलीवर द लेटर टू हर. इन व्हाट कंडीशन वॉज द हाउस फाउंड बाय द नरेटर. सो वेयर कॉपर बीच वॉज हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप. What do you understand by the word muddle headed in reference to Connie McPherson? So here the word muddle headed in reference to Connie McPherson indicate she cannot in the stable state of mind.
क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड कोनी मैकपर्सन यूज कैंडल्स इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर रहेगा कोनी मैकपर्सन यूज कैंडल्स इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ही थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर वन, इनसाइड द टीन बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप एड्रेस टू जिम मैकपर्सन। फर्स्ट नंबर में फॉल्स आएगा, द लेटर वॉज रिटर्न ऑन द क्रिसमस ईव ऑफ 1914। तो इसमें आपका ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, जिम मैकपर्सन वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन बिफोर ही जॉइन द आर्मी। ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर, हैंस वुल्फ फेवरेट इंग्लिश राइटर वॉज थॉमस हार्डी। ट्रू। क्वेश्चन नंबर फाइव, हैंस वुल्फ सेड दैट देयर विनिंग द फुटबॉल मैच वॉज नॉट क्वाइट फेयर। ट्रू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोनी मैकपर्सन वॉन्ट दैट द नरेटर शुड रीड द लेटर टू हर। ट्रू। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू टू थ्री सेंटेंसेस। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोग का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।